नमस्कार। एक दादा और एक दादी ने अपनी जवानी के दिनों को ताज़ा और रिलीव करने की सोची। उन्होंने प्लान किया कि वो एक बार शादी से पहले के दिनों की तरह छुपकर नदी के किनारे मिलेंगे। दादा तैयार सयार होकर बांके स्टाइल वाला बाल संवार कर लंबी टहनी वाला खूबसूरत लाल गुलाब हाथ में लेकर नदी किनारे की पुरानी जगह पहुँच गए। उनका उत्सुक इंतजार शुरू हो गया। ताजी ठंडी हवा बहुत रोमांटिक लग रही थी। एक घंटा गुजरा, दूसरा भी, यहाँ तक कि तीसरा भी, पर दादी दूर दूर तक नहीं दिखी। दादा अपना सेल फोन भी नहीं ले गए थे, क्योंकि उनके तब के वक्त में तो पीसीओ भी नहीं होते थे। नदी किनारे तो नहीं ही, दादा को फिक्र नहीं हुई। बहुत गुस्सा आया। झल्लाते हुए घर पहुँचे तो देखा दादी कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी। दादा लाल पीले होते हुए, तुम आई क्यों नहीं? दादी शर्माते हुए, मम्मी ने आने नहीं दिया। पति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में लिए बाजार में घूम रही थी। तभी उसका एक दोस्त उसे मिला और बोला, यार इतने साल हो गए तेरी शादी हुई, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के प्रति तेरा प्रेम देखकर दिल खुश हो गया। पति, ऐसा कुछ नहीं है यार, इसका हाथ छोड़ते ही ये किसी दुकान में घुस जाती है। शादीशुदा आदमी की जिंदगी में दो खर्चे तो लगे ही हैं, बीबी गोरी हो तो सनस्क्रीन और काली हो तो फेयर एंड लवली। कहते हैं जो हंसा उसका घर बसा, पर जिसका घर बसा उससे पूछो वह फिर कब हंसा। बीबी को समझाना मतलब 32 GB का वीडियो डाउनलोड करना और 31.5 GB डाउनलोड होने के बाद में एरर दिखाना। दुनिया में सिर्फ वही लोग शरीफ हैं जिनके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। कुछ लोग व्हाट्सएप पर बस दो ही स्टेटस पोस्ट करते हैं, पहला गुड मॉर्निंग, दूसरा गुड नाइट। ऐसा लगता है जैसे व्हाट्सएप की दुकान का शटर खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी इनकी है और माल खरीदने बेचने की जिम्मेदारी हमारी। पति, कहाँ गई थी? पत्नी, जी रक्तदान करने। पति, पीते पीते ओवरफ्लो होने लगा है जो अब बांटने भी लगी हो?